हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम मेकिंग फैमिली 2016 में रिलीज हुई एक मेलो ड्रामा साउथ कोरियन मूवी हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। ये कहानी एक छोटे बच्चे पे बेस्ड है जो स्पर्म डोनेशन थ्रू पैदा हुआ था। ये बात बच्चे को पता चलते ही वो अपने पापा को ढूंढने लगता है। क्या उसे उसका पापा मिल जाता है? क्या वो सब एक हो सकते हैं? आए इस कहानी में देखते हैं। अब जानते हैं मूवीज के कास्ट। ये है ताई पोंग, हमारा स्मार्ट छोटा हीरो जो अपना पापा को ढूंढने वाला है। ये बच्चे की मियोंग और यह बच्चे का पापा लियोन। कहानी स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस साउथ कोरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। अब विदाउट नो फर्दर डिले लेट्स बिगिन एक्सप्लेनेशन ऑफ मेकिंग फैमिली साउथ कोरियन मूवी इन हिंदी। क्लासरूम में टीचर बच्चों से फैमिली पिक्चर ड्रॉ करने को कहती है। सब बच्चे माँ पापा और बच्चे के पिक्चर ड्रॉ करते हैं, लेकिन हमारा छोटा हीरो माँ बच्चा और हाथ में एक बलून जैसे स्पर्म को ड्रॉ करता है। वो छोटा बच्चा अपनी माँ की डॉक्टर के पास जाकर कहता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। जब मेरी माँ US में थी तब मैं स्पर्म डोनर के जरिए पैदा हुआ था। मुझे मेरा पापा कौन है ये जानना ही होगा। अब वो डॉक्टर बच्चे से कहता है, ये सब ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स के अनुसार डोनर और रिसीवर को एक्सपोज करना मना है। अब वो बच्चा कहता है, मेरी माँ बाहर वेट कर रही है। ये सुनकर डॉक्टर बच्चे को कैबिन में अकेला ही छोड़कर बच्चे की माँ को देखने के लिए बाहर भागता है। बच्चे को पता था कि डॉक्टर को उसकी माँ पर क्रश है। डॉक्टर बाहर जाते ही ये बच्चा एक पेनड्राइव को CPU में इंसर्ट करके वहाँ से भागता है। नाइट टेबोंग अपने कंप्यूटर से हॉस्पिटल के कंप्यूटर को एक्सेस करता है और स्पर्म डोनर की इंफॉर्मेशन ले लेता है। अगले दिन कंप्यूटर में मिला एड्रेस पर जाता है। उस आदमी को देखकर मन में ही, ये मेरा पापा नहीं हो सकता है सोचकर पूछता है, आपने कभी स्पर्म डोनेट किया था क्या? वो सरप्राइज होकर नहीं कहता है। अब टेबोंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टेबोंग की मॉम मियोंग दिखती है। वो ऑफिस पार्टी में ड्रिंक्स कर रही थी। टेबोंग घर जाकर उसकी थिंग्स सब पैक करने लगता है और माँ को कॉल करके कहता है, मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखो, और कॉल कट करता है। अब डॉक्टर मियांग को कॉल करके कहता है, तुम अभी हॉस्पिटल पे आ सकती हो? मियांग हाँ कहकर हॉस्पिटल पे जाती है। अब डॉक्टर कहता है, टेबोंग ने मेरा कंप्यूटर को हैक किया है। बस यही नहीं, अपना पापा का सब इंफॉर्मेशन लेकर उसे ढूंढने जा रहा है। डॉक्टर ने टेबोंग का पापा को भी वहाँ पर बुलाया था, लेकिन उसका पापा अब न्यू कहानी कहने लगता है। जब वो US में था तब फ्रेंड्स के साथ मिलकर मैं अपना स्पर्म डोनेट करूँगा कहकर बेट किया था, लेकिन स्पर्म डोनेट करने से पहली रात उसने फुल ड्रिंक्स किया था और वो स्पर्म डोनेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहा। बेट के पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगा सोचकर अपने क्लोज फ्रेंड को स्पर्म डोनेट करने के लिए कन्विंस करता है। ऐसे उसके नाम पे उसका क्लोज फ्रेंड जाकर स्पर्म डोनेट करता है। सो टेबोंग का रियल फादर ये नहीं है बल्कि इसका क्लोज फ्रेंड है। टेबोंग ने इसे बहुत रिक्वेस्ट किया था, सो इसने इसकी फ्रेंड का चाइना का एड्रेस दिया है। ये सब सुनकर मियोंग को शॉक होता है। अब डॉक्टर कैजुअली कहता है, वो एक छोटा बच्चा है, अब वो फ्लाइट पकड़कर चाइना जाता है क्या? कहकर हंसने लगता है। लेकिन टेबोंग बहुत स्मार्ट है, वो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आकर बोर्डिंग प्रोसीजर के लिए तैयार हो रहा है। अब काउंटर पे बच्चे को अकेले देखकर लेडी पूछती है, साथ में कोई भी नहीं आया है क्या? टेबोंग कहता है, नहीं मैं अपनी माँ के साथ आया हूँ, और वेटिंग एरिया पे बैठी हुई एक लेडी को हाय कहता है। इस क्यूट बच्चे को देखकर वो लेडी भी हाय कहती है। अब बच्चा काउंटर लेडी से कहता है, वही मेरी माँ है, वो मुझे छोड़ने के लिए यहाँ पर आए है, लेकिन मैं अकेला ही ट्रैवल करूँगा। अब चाइना में टेबोंग का पापा एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। टेबोंग की माँ घर पे आकर दिखती है। टेबोंग ने एक फोटो पर लिखा था, मैं अपने पापा के साथ आऊंगा, ये देखकर मियोंग को चिंता होती है। नेक्स्ट सीन में एक फेमस आर्टिस्ट चंगरी लियान ने मेरे आर्ट वर्क को कॉपी किया है कहकर केस फाइल करता है। इससे लियान को आर्ट एग्जीबिशन के लिए हेल्प किया लेडी गुस्सा होती है। टेबोंग कोरिया से चाइना आकर पहुँचता है। वहाँ के टैक्सी ड्राइवर से मोबाइल के ट्रांसलेटर यूज करके कम्युनिकेट करके करेक्ट एड्रेस पे आकर पहुंचता है। उसके बाद अपना पापा के घर ढूंढने को बहुत स्ट्रगल करता है और फाइनली वो ढूंढ ही लेता है। कैमरा सब तैयार रखकर डोर नॉक करता है। टेबोंग को बस एक ही चाइनीज सेंटेंस पता है, पापा मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब लियान डोर ओपन करते ही बस यही कहने लगता है। लियान कंफ्यूज होकर कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, और डोर क्लोज करता है। यहाँ मियोंग टेबोंग को ढूंढते चाइना आ जाती है। नाइट टेबोंग उसके पापा के घर के बाहर स्लीपिंग बेड डालकर सोता है। मॉर्निंग मियोंग चाइना पहुंचती है।
होती है। टेपोंग सुबह उठकर नीचे देखता है, तब उसे लियोन बाइक पे जाना दिखता है। वो बाइक के पीछे ही भागने लगता है। एक ऑटो रिक्शा पकड़कर लियोन की बाइक को फॉलो करने को कहता है। उसी वक्त मियोंग लियोन का घर पहुंचती है। टेपोंग का स्लीपिंग बेड देखकर मियोंग लियोन का घर के डोर नॉक करने लगती है। इसे देखकर नेबर्स कहते हैं, लियोन अब यहाँ पर नहीं है, वो एक बड़ा होटल ओनर का बेटा है, वहाँ जाकर देखो। यहाँ टेपोंग ऑटो में स्पीड से जाकर लियोन को ओवरटेक करके पापा मैं तुम्हारा बेटा हूँ कहकर चिल्लाने लगता है। लियोन कंफ्यूज होता है, लेकिन टेपोंग ने हाथ में पकड़ा हुआ बोर्ड को देखकर शॉक होकर ऑपोजिट साइड से आया हुआ व्हीकल को बिना देखे गिर जाता है। बोर्ड में 10 साल पहले की स्पर्म डोनेशन करके लिखा था। लियोन का पापा लियोन ने आर्ट वर्क को कॉपी किया है। सुनकर लियोन पे बहुत गुस्सा होते है। उसकी बहन उसे कन्विंस करके कहती है लियोन ऐसे नहीं कर सकता है। फिर भी लियोन का पापा ये नहीं मानते है। ठीक किसी वक्त मियांग होटल पे आ जाती है। टेपोंग कहाँ हो कहकर चिल्लाने लगती है। होटल के वर्कर्स सब उसे कंट्रोल करके हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ लेंगे कहकर उसे समझाने लगते है। अब मियांग सबके सामने चिल्लाने लगती है कहकर लियोन मेरे बच्चे को मुझे दे दो। ये लियोन का पापा को सुनता है। लियोन का पापा मियांग को बुलाकर बात करता है। वो पूछता है क्यों तुम तुम्हारे बेटे को लियोन से पूछ रही हो। इसे मियांग कहती है लियोन ही मेरे बेटे का पापा है। ये सुनकर बहन अपनी माँ मतलब लियोन की ग्रैंडमा के पास जाकर कहती है लियोन को एक बेटा है। टेपोंग और लियोन हॉस्पिटल में होते है। लियोन हॉस्पिटल से बाहर जाते ही टेपोंग उसे फॉलो करने लगता है। पीछे ही आते हुए टेपोंग को देखकर हाथ पकड़ो कहकर अपना हाथ देता है। टेपोंग हैप्पीली लियोन का हाथ पकड़ता है, घर ले जाता है। सोचा तो लियोन डायरेक्टली उसे पुलिस स्टेशन पे ले जाता है और कहता है ये बच्चा बह गया है। पुलिस टेपोंग के पासपोर्ट को चेक करते है और कहते है ये बच्चा कोरियन से है। कोरियन एम्बेसी को कॉन्टेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। अब लियोन पुलिस स्टेशन से जाने लगता है। टेपोंग पापा मुझे छोड़कर मत जाओ कहकर रोने लगता है और रोकर पुलिस से कहता है वो मेरा पापा है मुझे छोड़ दो। लेकिन वहाँ कोरियन लैंग्वेज किसी को भी समझ में नहीं आती है। टेपोंग मोबाइल के ट्रांसलेटर यूज करके पुलिस से कहता है मुझे रेस्टरूम पे जाना है। पुलिस बच्चे को रेस्टरूम पे ले जाता है। टेपोंग रेस्टरूम के अंदर का वेंटिलेटर ओपन करने लगता है। बहुत देर हो गया सोचकर पुलिस मास्टर कीस यूज करके रेस्टरूम का डोर ओपन करता है। अंदर आकर देखता तो वेंटिलेटर ओपन हुआ था। इसे देखकर पुलिस स्टेशन पे सबसे बच्चा एस्केप हो गया कहता है। अब सब टेपोंग को ढूंढने लगते है, लेकिन टेपोंग बहुत स्मार्ट है। वो डोर के पीछे ही छुपा था। इसी गैप में वो स्टेशन से एस्केप होता है। लियोन घर जाकर देखता तो उसकी ग्रैंडमा आई थी। अब वो लियोन से पूछती है वो तुम्हारा बेटा है क्या। लेकिन लियोन कुछ नहीं कहता है। ये देखकर ग्रैंडमा कहती है मुझे सब कुछ पता है। अब वो बच्चा कहाँ है, उसे घर से बाहर निकाल दिया क्या। वो जो भी हो लेकिन बहुत दूर से तुम्हें ढूंढ कर आया है, अब वो कहाँ पर है। अब मियांग अंदर से बाहर भाग कर आती है और लियोन से टेपोंग के बारे में पूछती है। लियोन कहता है मैंने उसे पुलिस स्टेशन पे छोड़ा है। मियांग और लियोन पुलिस स्टेशन पे आ जाते है। वहाँ पुलिस कहते है बच्चा यहाँ से भागा है, हम भी उसे ढूंढ रहे है। अब लियोन बहुत गुस्सा होता है। पुलिस मियांग से पूछता है क्या तुम ही उस बच्चे की माँ हो, लियोन ही उस बच्चे का पापा हो। मियांग इस कहती है। टेपोंग टैक्सी से लियोन के घर आकर डोर नॉक करने लगता है। कोई भी डोर ओपन नहीं करते है। ये देखकर टेपोंग स्टेप पे बैठकर रोने लगता है। ठीक उसी वक्त ग्रैंडमा आकर डोर ओपन करती है और टेपोंग कहती है यहाँ स्टेशन से बाहर आकर लियोन और मियांग झगड़ा करने लगते है। तब ग्रैंडमा का ड्राइवर आकर कहता है टेपोंग मिल गया। घर पे टेपोंग ग्रैंडमा के लैप में सो रहा था। अब मियांग अंदर आते ही टेपोंग मियांग को टाइटली हक करके जोर से रोने लगता है। ग्रैंडमा मियांग और टेपोंग को डिनर पे इनवाइट करती है। इसे मियांग कहती है अब हमें एयरपोर्ट को निकलना है। इसे ग्रैंडमा कहती है अब फ्लाइट्स नहीं है, आज यहाँ पे रेस्ट करो, कल लियोन तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ेगा। डिनर के लिए टेपोंग ने लियोन का हाथ पकड़ा था। ये देखकर मियांग को बहुत फील होता है। नेक्स्ट सीन में लियोन का पापा लियोन से कहता है घर छोड़कर भाग लिया, दूसरे का आर्टवर्क को कॉपी किया, स्पर्म को डोनेट किया, और क्या क्या करना बाकी है कहकर डांटने लगता है। लियोन कहता है उन्हें और मुझे कोई संबंध नहीं है, कल वो फ्लाइट पकड़कर कोरिया जा रहे हैं। ये सब सुनकर ग्रैंडमा लियोन के पापा से कहती है उन लोगों ने कुछ नहीं पूछा है, तुम अभी क्यों ओवररिएक्ट कर रहे हो। अगले सीन में टेपोंग नहाते हुए दिखता है। वो लियोन के पापा के होटल पर ही ठहरा था। टेपोंग बहुत एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसकी माँ बहुत टायर्ड हुई थी। टेपोंग सब इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ टिकट बुकिंग लेडी कहती है कोरिया के सब फ्लाइट फुल है, अगले 3 दिन के लिए किसी
एयरलाइन में भी टिकट्स अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर टीबंग बहुत खुश होता है। ग्रैंड माँ कहती है, एक बार मुझे मेरी गाँव को जाना है, ये मेरी लास्ट विश है, प्लीज सब आ जाओ। ब्रेकफास्ट खत्म करके हम जा रहे है। खेकर एक बड़ा वैन को अरेंज किया था। सब जाने को तैयार होकर बाहर आते है। ठीक किसी वक्त लियान, मियांग और टीबंग वहाँ पे आ जाते है। इन्हें देख कर पापा पूछता है, क्या हुआ? लियान, अगले 3 दिन के लिए फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कहती ही ग्रैंड माँ मियांग को फैमिली ट्रिप पे बुलाती है। मियांग मन में ही मैं कैसे आऊंगी सोचने लगती है। टीबंग को लियान के आगे पीछे घूमना देखकर मियांग ट्रिप पे जाने के लिए मान जाती है। जाते समय टीबंग कुरियन को चाइनीज में, टीबंग ने पापा के साथ रहने को अपने पापा से बात कर रहा था। कुछ देर के बाद मियांग टीबंग से कुछ देर के लिए चुप बैठने को कहती है। विलेज पे ग्रैंडमा अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होती है। वहाँ के अंकल लियान और मियांग को हस्बैंड एंड वाइफ समझकर एक ही रूम देता है। मियांग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अलग रूम पे रहूंगी। खेकर दूसरे रूम पे जाती है। टीबंग लियांग के पीछे जाने लगता है। मियांग, इस रूम पे आओ, कहकर उसे अपने साथ ले जाती है। नए डिनर पे टीबंग को लियांग खाना सर्व करता है। अब मियांग को टीबंग की बात याद आती है। टीबंग को ऐसे ही एक बड़ा फैमिली में रहना बहुत पसंद है। अब वो ऐसे ही एक बड़े फैमिली में डिनर कर रहा है, सोचकर बहुत खुश हो जाती है। टीवी पे लियांग के आर्ट वर्क दूसरे किसी का कॉपी करके कहने लगते है। ये देखकर लियांग बहुत इरिटेट होता है। टीबंग चाइनीज में कैसे गुड नाइट कहते है ये सीखकर ग्रैंडमा के पास जाकर उसे गुड नाइट कहकर एक किस करके भागता है। ग्रैंडमा बहुत खुश होती है। मियांग किचन पे आ जाती है। वहाँ अंकल मियांग को लियान के साथ जाकर कुछ थिंग्स ले आने को कहता है। मार्केट पे टीबंग उसके माँ पापा का हाथ पकड़कर बहुत हैप्पीली जा रहा है। सब थिंग्स लेते हैं, अब जस्ट अल्कोहल लेना ही बाकी है। सडनली टीबंग एक बीट के अंदर चला जाता है। उसके पीछे ये दोनों भी वहाँ पर जाकर देखते है। शॉप ओनर कह रहा था, उस पैमो में रखा हुआ सारे बियर को पिए तो एक फुल सेट ऑफ बियर फ्री है। मियांग इसमें चैंपियन थी, वो इजीली बैम्बू से सारा बियर पी लेती है। लियान सरप्राइज होकर देख रहा था। टीबंग एज यूजुअल सब रिकॉर्ड कर लेता है। जीतते ही शॉप ओनर इन तीनों को फोटो एक साथ खींच कर नोटिस बोर्ड पे डालता है। टीबंग वो फोटो ही देखने लगता है। घर जाते समय ऑन द वे मियांग को ओमिट आता है। वो कार को रोकने को कहती है, लेकिन लियान के ऊपर ही ओमिट करती है। टीबंग उसके पापा को उसके माँ का ख्याल रखना देखकर खुश होकर हंसने लगता है। टीबंग और लियान एक ब्रेक लेते हैं, कार के ऊपर बैठकर बात करने लगते हैं। लियान को कोरियन लैंग्वेज नहीं आता है, टीबंग को चाइनीज नहीं आता है, फिर भी बात करते हैं। लियान कहता है, मैं तुम्हें पापा बनकर रह नहीं पाऊंगा। टीबंग कहता है, अब हम सब एक साथ है ना, इससे आप हैप्पी हो ना। लियान कहता है, तुम्हें कोरिया जाने के बाद भी ऐसे ही स्माइल करते रहना है। ये सब कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। नेक्स्ट सीन में लियान का पापा लियान से कहता है, तुम इस फैमिली को एक ब्लैक मार्क हो, तुमने दूसरों का आर्ट वर्क को कॉपी किया है। केकर डांटता है। ज्यादा टाइम डांट सुनकर लियान गुस्से से बाहर जाता है और कार स्टार्ट करता है। ये देखकर मियांग भागकर आती है और कार पे बैठ जाती है। कुछ देर के बाद मियांग कहती है, यूएस में मेरी माँ पापा गुजरने के बाद मैंने एक लड़के से बहुत प्यार की थी, लेकिन एक दिन कार एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। इसके बाद मैं बहुत उदास थी, इस वजह से मेरे बच्चे की मिसकैरेज हो गया। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा लियान का पापा से कहती है, एक बार लियान के एग्जीबिशन पे वो क्या कर रहा है जाकर देखो। सीन चेंज होता है। लियान कुछ नॉर्मल होने के बाद मियांग को एडमायर करने लगता है और पूछता है, टीबंग को फिशिंग पसंद है क्या? मियांग कहती है, तुम उसे ले जाओ, उसे सब पसंद है। घर पहुंचते ही टीबंग लियान को हक करता है। बाद में पूरे फैमिली फिशिंग को जाकर बहुत एंजॉय करते हैं। घर पे ग्रैंडमा बीमार होती है, इमीडिएटली हॉस्पिटल पे एडमिट करते हैं। डॉक्टर कहता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। ग्रैंडमा को देखने के लिए मियांग आ जाती है। अब लियान का पापा मियांग से गुस्से से कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। लियान कहता है, इसे और मियांग को कोई संबंध नहीं है। लेकिन लियान का पापा मियांग को ही ब्लेम करने लगता है। ये देखकर लियान गुस्से से कहता है, तुम किसी का भी नहीं सुनते हो ना, इसीलिए अब तक मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहता था। अब लियान का पापा लियान को एक थप्पड़ मारते हैं। मियांग लियान से सारी कहकर वहाँ से चली जाती है और टीबंग के साथ टैक्सी में बैठती है। अब लियान पीछे ही आकर टैक्सी में बैठ कर कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ऑन द वे टीबंग जिस मार्केट को वो पहले गए थे वो मार्केट देखता है। अब टीबंग चलते हुए टैक्सी से उतरकर
रोड पे क्या है बिना देखे मार्केट पे भागता है। उसके माँ पापा भी पीछे ही भागते हैं। वहाँ एक शॉप के पास जाकर लॉक हुए दरवाजे को खटखटाने लगता है, कहकर कोई है क्या अंदर। उसे उन तीनों की फैमिली फोटो चाहिए। टेपोंग उसकी माँ से रोकर पूछता है, पापा हमारे साथ नहीं आ रहे है क्या। पापा को पकड़ कर पूछता है, आप हमारे साथ नहीं आ सकते हो क्या। ये सुनकर लियान को बहुत फील होता है। नेक्स्ट डे एयरपोर्ट जाने से पहले टेपोंग उसके ग्रैंडपा को अपने बैग से पापा और ग्रैंडपा साथ में खींची हुई फोटो को रिटर्न देकर वहां से जाता है। मियांग और टेपोंग कोरिया आ जाते हैं। लियान का पापा लियान के एग्जीबिशन पर जाता है। वहां आर्टवर्क देखने के बाद उसे पता चलता है कि लियान के आर्टवर्क सब उसके लाइफ रिलेटेड है, किसी आर्टवर्क का कॉपी नहीं है। करेंटली इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सब लियान के अगेंस्ट जा रहा था। अब लियान का पापा अंदर आकर कहता है, मैंने भी सबकी तरह लियान का आर्टवर्क को कॉपी करके सोचा था, लेकिन इन सब आर्टवर्क में हमारे फैमिली का इमोशंस है। आर्टवर्क को कोई भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इमोशंस नहीं। मैं लियान को सपोर्टिव बनकर इस सारे इन्वेस्टिगेशन में रहूंगा, और लियान को हक करके सपोर्ट करता है। नेक्स्ट सीन में लियान घर पे होता है, उसे एक पार्सल आता है। वो पार्सल कोरियर से टेपोंग ने भेजा था, उसमें सारे रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप्स थे। ये देखकर लियान खुश हो जाता है। टेपोंग पहले बार अपना पापा से मिलना, माँ बियर को पीना, लियान इसे आश्चर्य से देखना, टेपोंग और लियान एक जैसे ही बिहेव करना, ये सबको एडिट करके भेजा था। टेपोंग फैमिली ड्राइंग में बलून के प्लेस पे उन तीनों को साथ में खींची हुई फोटो को रखता है। स्कूल में वायर फंक्शन हो रहा था, सब बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे। मियांग टेपोंग को देखकर बहुत खुश थी। सडनली टेपोंग दूसरी ओर देखकर स्माइल करने लगता है। मियांग घूमकर देखती है, वहां उसे लियान दिखता है। ये देखकर उसे आश्चर्य होता है। वायर परफॉर्मेंस के बाद लियान मियांग से कहता है, टेपोंग बहुत स्मार्ट है। इसे मियांग कहती है, स्मार्ट बच्चे को संभालना कितना मुश्किल है ये पता है। अब लियान वही मैं अब देखना चाहता हूँ, कहकर इनडायरेक्टली फैमिली बनने के लिए प्रपोज करता है। ऐसे हैप्पीली ये कहानी एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके कमेंट में इस लिख देना, और मैं इस तरह के मूवीज एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे नए मूवीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और स्टे ट्यून्ड।